हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर रीवा से हवा, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने चुनावी दौरा का लेके विंध्य क्षेत्र पहुंचे। यहां सिंगरौली माही आम सभा और रोड शो के आयोजन की इनका रहा, जहाँ केजरीवाल रीवा चुराहटा हवाई पट्टी में पहुंचे। केजरीवाल से मिले खातिर कई अक्थे कार्यकर्ता आस लगाए खड़े रहे, पर उनका हवाई पट्टी में घुसे नहीं दीनगा, जोने के चलते कार्यकर्ता यह कहा सुनाने के उनका दुख हवाई को केजरीवाल से नहीं मिल पाए। आइए अपना को सुनवाई थे सफाई दे तो आप पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा का कह रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय जो है अरविंद केजरीवाल जी है जो है यहाँ से सिंगरौली में उनका कार्यक्रम था, क्योंकि पास का जो है हवाई पट्टी जो है वो पहले उनको जो है बनाना सुधारना था। बनारस से आने के लिए उनके पास वो सुविधा नहीं थी, जो सुविधा जो है बाद में बनाई गई, बताया गया हवाई पट्टी यहाँ पर है। उस बारे में चुराहटा उतर कर वो जो है अपने दूसरे उससे जो यहाँ से जो है वो सिंगरौली गए हैं, उनका आने का कारण यहाँ था। यहाँ पर उसके बाद कार्यक्रम हमारे जो है महापौर प्रत्याशी जो है उनसे मुलाकात उन्होंने की, यहाँ सतना के महापौर प्रत्याशी को बुलाकर उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि उनका समय शेड्यूल बहुत वो था। और आप लोग को हमने इसीलिए कॉल उससे मैंने किया था कि आप बोले जब वो तुरंत उनको जाना था, और आज उनका आने का है। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती में हमारे जो सब जगह नगर निगम चुनाव में जो लोग उतरे हैं, पूरे जगह में मध्य प्रदेश में लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उसके लिए शुरुआत आगाज किया है। और हमारे यहाँ पर रीवा में भी आने वाले समय में डिप्टी सीएम और जो है संजय सिंह जी, ऐसे कई लोग जो है यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ पर जो है वो अपना कार्यक्रम उनका फिक्स है। यहाँ पर रीवा माही त्रिसरी पंचायती राज के दूसरे चरण के मतदान में रीवा गगेव रायपुर करछुलियान जनपद पंचायतीन माही चुनाव हो चुका है। वहीं ये चुनाव में ही कई भाजपा के वरिष्ठ नेता और उनके परिवार वाले का करारी हार देखे का मिली हवे, जो उनके भाजपा के सबके साथ सबके विकास के नारा रहा और अब पोल खुल चुका हवे। हमने बताई दी कि चुनाव में ही जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विभा पटेल अपने वार्ड में जहां बहुत ही पीछे बताई जाती हैं, तब वहाँ कई प्रत्याशी चुनाव हार घलाए गए। हम सबसे मजेदार मुकाबला रहा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के नवस्ता ग्राम पंचायत में, जहाँ के सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के साला अजय मिश्रा चुनाव मैदान में रहे हैं। एक साथ है उनका प्रतिद्वंदी अनीश सिंह पिता अशोक सिंह रहे हैं, जो इनका बढ़त मिली है। बतावा जात है कि विधायक के साला का खाली 141 मत मिला है, जबकि प्रतिद्वंदी अनीश अशोक का ही 320 मत मिला है। बात करें सिंगरौली के तो तेदुहा गांव के जिगनहवा टोला में ही नाला का पानी पिए के कारण कई ठे बकरीन के मौत हो गई है, जगह खबर फैलते हड़कंप मचा हवे। अपना को बता दें कि ग्रामीण बताएं के गाँव में ही कई अठे नदी नाला बहा था, जो माही जानवर पानी पिया था। मैं पर पिछले कुछ समय से जेपी कोल माइन के काला गंदा जहर से भरा पानी नालन में बह के नदी में मिल रहा है, जोने के कारण नदी के पानी घलाए जहरीला हो गया है। वहीं बकरीन के पोस्टमार्टम करे वाले डॉक्टर टीम घलाए आशंका जता वाला हम के बकरीन के मौत जहरीला पानी पिए के कारण भई ही। ग्रामीणों का जो कहना है इसके अनुसार हम लोगों ने 21 बकरियों के जो मृत होने की सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके से जाके उनको देखे और वो जो है सही पाया गया, और उनका जो है सैंपल कलेक्शन करके उसके जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मैं बकरी चराने गए, वहाँ जेपी के रोड पर छेरी पानी पिए, उसमें लगता है मेरे को कि जहर छोड़ दिए हैं कुछ कंकल संकल, इसलिए बकरी मेरा 10-5 मिनट में मर गया। सिंधवा पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच छोटी सी मरावी मेरा नाम है, और ये जो जेपी प्रबंधन के जो काफ़ी लापरवाही की वजह से और वहाँ के जो पानी है वो हमारे जो निस्तार की जो नदी नाले हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के लोग आदिवासी बहुलता क्षेत्र है वहाँ पे पानी पीते हैं, वहाँ नहाते भी हैं, ऐसा लगता है कि अगर इनके पानी मैंने जहरीले पानी से कई आदमी जीव जंतु भी मर सकते हैं, अभी तो इनकी बकरियाँ भी मरे हैं कई। अगली खबर रीमा से है, जहाँ के हृदय स्थल घोड़ा चौराहा माही बिंद के व्यापारी महासंघ अध्यक्ष के नेतृत्व में ही रथ यात्रा के भव्य स्वागत की इनका। अपना को बताई दी कि रथ यात्रा में ही पुष्प माला चढ़ाए के आतिशबाजी और गाजा बाजा के संगे 56 भोग लगाए के प्रसाद के घलाए बांटा का, जिसके बाद भगवान के पूजा अर्चना की गई है। सतना के जहां के
29 जून का ही 6 साल के एक बिटिया के संगे दुष्कर्म के घटना समूह आई रही, जोने के घटना में ही बिटिया के हालत गंभीर रही है। बिटिया का संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया है। वह घटना की जानकारी लगता है विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ है। प्रोफेसर डॉक्टर आरती तिवारी और कर्मचारी पदाधिकारी ICU वार्ड में जाए के पीड़ित के परिवार से मुलाकात करें। उसकी मैम सर्जरी हुई थी, मैं ये बस आपसे एक बोल रही हूँ उसकी अभी रिसेंट उसके हालत क्या है। ठीक है, ठीक है जी। उसका सर्जरी इंटरनल इंजरीज है तो उसकी सर्जरी के मतलब एक एक क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि सतना से उसको यहाँ क्यों रेफर किया गया। तो आपके पास जब वो आई थी ये टर्शियरी रेफरेंस सेंटर है, स्पेशलिस्ट सेंटर है। ये कब की घटना है? तो ये जो है ये लड़का कहाँ वहीं बगल रहता था आपके? घर के बगल में रहता, उसका घर है बना हुआ। पहले से घर में आता जाता था? जी, घर के होगा पड़ोसी है बगल से। घर में हमारे बिल्डिंग की दुकान है, छोटा भाई की तो बिल्डिंग की दुकान में वो बैठा था। हो गया, हम ऐसा बैठा रहता था अपने घर जैसे आज जब 12 बजे वो अजला हमारे ऊपर बाइक हमको हमारा कपड़ा उतरा दिया, हमारे पास गंदा गंदा खाता जी। जब उसको देखे तो वो एकदम सर से पैर तक एकदम ही ब्लेड में उसके पूरे कपड़े अंदर से जैसे बाहर आ गए, बाहर पूरे ब्लेड हो गए। रीवा के रतहरी में ही जमीनी विवाद के मामला समूहाबा है, जहां कुछ सरहंग पहले तक पीड़ित का घर बनवाबे से रोके रहे, पर पीड़ित जैसे तैसे जब अपन घर बनवाएल हिन तो का बुलडोजर से गिरवा दिन। अपना बता दें कि पीड़ित बताइन के घटना के शिकायत वो डायल 100 में दिए रहे, हम पर पुलिस कोनो मेर से उनकर मदद नहीं करे। वहीं अगर पीड़ित के मानी तो घटना में ही फॉरेस्ट विभाग के एक कर्मचारी घलाय मिला हबे, जोने के संगे मिल के घटना का अंजाम दिन का हबे। आई अपनों को लाई चली थे घटना के स्थल, वहीं के कौन मेर से बने बनाए घर का सरहंग गिराए दिन और सुनाई थे पीड़ित का कि उनका रेसलगा मामला मलाई के का कहा भवे। रात में जब हमारे घर को गिरा रहे थे तब हमें सूचना मिली, तब मैं 100 डायल में अपनी कंप्लेंट लिखवाया। तो 100 डायल में एक सर बोले कि रात में कंप्लेंट तुम्हारी FIR नहीं होगी, 2 तारीख को सुबह 11 बजे आओ और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ। अब हम जा रहे हैं, मैं गांव में था, रात में जब मेरा घर गिराया गया तब मैं गांव में था तो रात में यहां आ नहीं पाया। अब मैं जा रहा हूं कंप्लेंट दर्ज कराने। आज के बुलेटिन में इतना ही, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।